मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका मान कलाकार और मैं भी आया हूं अपना पीसी लेके जगदीप कंप्यूटर्स पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं पीसी लेके आने वाला था, जो कि उसका कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर बदलना था, तो मैं भी यहीं पे आया हुआ। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे बदल रहा है, तो देखते रहिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ वेट, क्योंकि जो भैया यहाँ पर हैं वो कर नहीं पा रहे, तो वो बोल रहे हैं कि 8 घंटे से कोई दूसरे भैया आएंगे तो वो करेंगे अपडेट। तो थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दिखाऊँगा। तो अभी प्रोबेबली 2 बज रहा है, तो 2:30-2:30 तक बोल रहे हैं कि वो आएंगे, तो फिर मैं करूँगा। और मेरा बेस्ट फ्रेंड साथ में आया, पर वो चाहते नहीं कि मैं उसको दिखाऊँ, तो इसलिए मैं दिखाऊँगा नहीं। अब थोड़ा मशीन देख लो कैसी है। तो ये मेरी मशीन, इस पर लगा हुआ है अभी AMD वाला नॉर्मल वाला फ़ैन। ये है मेरा ग्राफिक कार्ड 1050 Ti, मदरबोर्ड है X470 गेमिंग प्लस। ये कोर्सेर की एक ही रैम है 3000 MHz वाली, और इसमें 3 फैन इनबिल्ट आए हैं, एक आगे लगा हुआ है, एक पीछे और एक। तो मैं ये वाला है जो मैं अपडेट करवा रहा हूँ। पहले मेरे पास ये RGB वाला नहीं था, तो वो जो ख़राब हो गया था तो वो चेंज हो रहा है। और ये सर्कल का कैबिनेट है, कोर्सेर की पावर सप्लाई है 550 वॉट की, और प्रोसेसर मेरा राइजन 2600X। तो जब वो खोलेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब मेरी पीसी में दिक्कत ये हो गई थी कि जो मेरा प्रोसेसर है वो 105-106 डिग्री के ऊपर जा रहा था, तो जो कि प्रोसेसर के लिए सही नहीं होता। तो मैंने एक हफ्ते अपना पीसी ऑलमोस्ट बंद रखा था कि मैंने पूरा काम वाम बंद कर लिया था। ये चीज़ हुई थी दिवाली के पहले, और फिर मैं आया था अपना पीसी लेके 31 तारीख को, जो कि मैंने यहाँ पे दिया, और फिर अपना जो नॉर्मल AMD वाला जो फ़ैन आता है वो लगवाया था। फिर उसके बाद मैंने ये दिया, तो अप्रोक्स इसको 25 दिन लगे थे, तो वो आया है, तो अब मैं लगाऊंगा। तो यही दिक्कत हो रही थी, जब मैंने सिनेबेंच और बेंचमार्क रन करके देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा लो बता रहा था, इतना गंदा दिखा रहा था कि 8 या 6% ऐसा दिखा रहा था। और जैसे मैंने ये रेगुलर अपना AMD वाला फ़ैन लगाया तो वो ऑलमोस्ट हो गया था 50% के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो अभी देखिए इसके बाद कितना आता है। अभी नॉर्मल टेम्परेचर मेरा AMD से लगाने के बाद जाता है 40-45-50 के करीब तक ही जाता है। अब देखते हैं लिक्विड कूलर लगाने के बाद कितना आता है। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड खुल गया है, और ये अभी भाई पूरा मदरबोर्ड खोल के वायरिंग शॉर्ट करेंगे, और ये और वो दोनों लगना है। प्रोसेसर लुकी होगा भी साफ, चालू।
ये आजी वाला फ़ैन है पर इसमें लाइट नहीं जल रही, तो मैं घर जाके देखूँगा। मेरी पूरी वायरिंग भी शॉर्ट हो गई है। सही हो गई है, इस फैन की भी लाइट चालू, और इस इनको जाइए अपने मदरबोर्ड के साथ। तो गाइस ये हो गया है पूरा का पूरा सिंक अभी मेरे मिस्ट्रिक लाइट से। ये मैंने अभी रखा हुआ है रैंडम पे, तो ये रैंडम अपने हिसाब से ही कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूँगा यहाँ से ब्रीथिंग फिर अप्लाई, तो ये ब्रीथ करेगा पूरा, फिर मैं यहाँ से लाइट भी चेंज कर सकता हूँ अगर मेरे को डार्क ब्लू करनी है। अगर रेड करनी है यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ इसको, स्टेडी रखना है तो स्टेडी हो जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ब्रीथिंग ये अच्छी लग रही है मेरे को तो, और ये अपना रहेगा ग्रीन कलर में, तो ये है पूरा ग्रीन कलर में ब्रीथिंग में। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस ये है मेरा पूरा सेटअप, ये लगा हुआ है कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर, ये है आरजीबी वाला फ़ैन, ये उसका पंप है, मतलब ये एनहेंस हो गए हैं। पहले जो 120 ml मतलब ML 120 जो लाइट आता था उसके उतने अच्छे नहीं थे, अभी इनहेंस हो गए हैं। ये 8 GB की रैम लगी हुई है कोर्सर की, ये एक ऊपर एक फ़ैन है और एक इसके पीछे भी लगा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। एक आगे है जो हवा बाहर से लेके अंदर छोड़ता है, और फिर ये ऊपर वाला भी बाहर छोड़ता है, और ये पूरा का पूरा बाहर है। ये डाटा की SSD लगी है 120 GB, ये मेरा ग्राफिक कार्ड 1050 Ti, ये मेरे इंटेक्स का कीबोर्ड है, ये इंटेक्स का माउस, दोनों कॉम्बो ही पड़े थे मेरे को। ये मेरे सैमसंग की कर्व LED TV मॉनिटर, और ये है मेरा पूरा कैबिनेट। ये जो सर्कल का गेमिंग है, और ये MSI का लोगो लगा हुआ है। मेरे में प्रोसेसर राइजन 5 2600X लगा हुआ है, जो कि तब मेरे को अराउंड 12,000 का पड़ा था। और ये है जिसमें कैबिनेट आया था, सर्कल का गेमिंग एलिगेंटर कैप्सूल गेमिंग, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किसी को चाहिए तो। ये मेरा जियो का राउटर लगा हुआ है गीगा फाइबर वाला, यहाँ मेरा कैमरा रखा है। मेरा मदरबोर्ड है MSI का X470 गेमिंग प्लस, तो ये मेरा पूरा सेटअप है छोटा सा, इसलिए मैं एडिटिंग करता हूँ। और मेरे में ये नीचे हार्ड ड्राइव लगी हुई है, वो है 1 TB। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सेटअप, नीचे वूफर्स रखे हैं जो कि अभी मैं चलाता नहीं हूँ, और ये पूरी ड्रॉर से जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपना स्टफ़ रखने के लिए ऐसे छोटा मोटा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे यहाँ पर लाइट्स लगा दूँ LED वाली, पर मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी लगाऊँ, मल्टी लगाऊँ या नॉर्मल लगाऊँ। और मैंने इसका कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, अभी करा था मैंने थोड़ी देर पहले। ये RGB का एक वो गया हुआ है पूरा का पूरा रिमोट वाला, और वो मैंने यहाँ नीचे लगा दिया ये रहा। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ चेंज होगा, और इफ मेरे को कलर चेंज करना है तो ये कलर चेंज होगा। और इससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है सबसे लेफ्ट वाले से, तो ये मैं 3rd नंबर पर रखा हूँ, और ये मैं मोड चेंज कर देता हूँ।
तो ये पूरे कलर चेंज होते रहेंगे। मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं कल क्या थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि मेरा भाई गया है दिल्ली, क्योंकि उसको कुछ ऑफिस का काम था एंड मम्मी पापा कोई शादी में गए हैं गुना, तो इसलिए मैं रात को क्या जल्दी जल्दी सो गया था। और फिर 2 बजे भाई की ट्रेन थी, तो 1 बजे पापा मम्मी गए थे उसको छोड़ने के लिए, और मैं थोर का ध्यान रख रहा था क्योंकि वो अकेला नहीं रह पाता इसलिए। और अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जो भी मैंने अपग्रेड करवाया उसका थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखाऊँ, पर उससे पहले जो है मेरे को RGB की एक कंट्रोलर लगाना है, तो उसमें मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को, तो वो मैं भी लगाऊंगा, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मेरा भी फ्रेंड आ रहा है शिवम, जो कल मेरे साथ गया था, तो अभी उससे मिलता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सिनेमैटिक आप इसी क्लिप के पहले देख लेंगे, तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।